आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है, जहां उन्होंने अपने पहले उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। वहीं उम्मीदवार भी अब चुनाव की तैयारी में लग गए हैं। पार्टी की तरफ से संकल्प पत्र तैयार करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए हैं। जनता अपने सुझाव नमो ऐप पर जाकर दे सकती है। इसके अलावा पार्टी ने एक नंबर भी जारी किया है, जिस पर मिस कॉल देकर अपने सुझाव दिए जा सकते हैं। तीसरा विकल्प ये है कि पार्टी के कार्यकर्ता खुद ही लोगों के पास आएंगे और वो लोगों से सुझाव मांगेंगे। इस तरह पार्टी लोगों के माध्यम से अपना संकल्प पत्र जारी करेगी। इस बात की जानकारी कैंट क्षेत्र के विधायक अशोक रोहाणी ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान दी। आज जबलपुर में आपके समक्ष संकल्प पत्र कैसा हो लोकसभा चुनाव में, विकसित भारत मोदी जी की गारंटी के माध्यम से पूरे देश में लोगों से सुझाव के माध्यम से यह विकसित भारत मोदी की गारंटी का बेटी की लॉन्चिंग की गई है। इसके माध्यम से लोगों के द्वारा सरकार आने वाले समय में कैसे कार्य करेगी और विकसित भारत कैसे होगा, वो भी जनता के द्वारा सुझाए हुए उससे होगा आने वाले समय में, उसी संदर्भ में आज आप सबको यहाँ आमंत्रित किया गया है। आने वाले समय में अब की बार 400 पार मध्य प्रदेश पूरी की पूरी 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। इसी संकल्प के साथ संकल्प पत्र के लिए लोगों से मैं विशेष अपील करता हूं कि इसमें अपने सुझाव मिस्ड कॉल के माध्यम से, नमो ऐप के माध्यम से, या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता घर घर जब आपके पास आए तो अपने सुझाव दें और प्रदेश नेतृत्व जो संवाद जनता के साथ लोगों के साथ करेगा सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ, उसमें भी अपने सुझाव दे सकते हैं। निश्चित रूप से यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार और देश में सशक्त नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के कारण है कि हम सरकार में आने वाले समय में क्या करेंगे, वो भी जनता के सुझावों के माध्यम से ही करेंगे। यह संकल्प लेकर यह संकल्प पत्र जो बनेगा वो भी जनता के द्वारा बने, जनता की सरकार जनता के द्वारा सुझाए हुए सुझाव के माध्यम से संकल्प पत्र बनेगा। यही आज हम सब से अपील करते हैं कि आने वाले समय में जब कार्यकर्ता आपके घर आए या नमो ऐप के माध्यम से या मिस्ड कॉल के माध्यम से अपने अपने सुझाव जरूर दें। मैं आप सब पत्रकार बंधुओं से भी निवेदन करता हूं कि आप भी एक नागरिक होने के नाते आने वाले समय में भाजपा सरकार क्या करे उसके लिए भी देखिए। कमलनाथ जी चाहे कितना भी गठबंधन कर ले, कमलनाथ जी और उनकी सरकार, उनकी जो पार्टी है और जो उन्होंने सरकार में रहते हुए जिस तरह के काम किए हैं, जनता को प्रताड़ित करने का काम किया है, युवाओं से 4000 रुपये बेरोजगारी भत्ते के झूठे वादे हों, चाहे किसानों से झूठे वादे हों, महिलाओं से झूठे वादे हों, ये सारी जनता जान चुकी है। कांग्रेस की नियत नीति नारा और नेता जनता ने नकार दिए हैं और आगामी लोकसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि अब की बार 400 पार फिर एक बार मोदी सरकार, मध्य प्रदेश के अंदर 29 की 29 सीटें, और कमलनाथ जी आप बाकी सीटों की चिंता ना करें, आप तो सिर्फ छिंदवाड़ा को यदि बचाने का प्रयास कर रहे होंगे तो वो भी आपके हाथ से इस बार फिसल जाएगी, क्योंकि छिंदवाड़ा की जनता ने भी ये मन बना लिया है कि मोदी जी के साथ चलना है, कमल के फूल के साथ चलना है, क्योंकि मोदी है तो विकास की गारंटी है। इसीलिए चाहे कांग्रेस कितना भी गठबंधन कर ले, कितने भी लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास करे, अब कांग्रेस के अंदर भगदड़ मची हुई है, उनके खुद के पार्षद कूद कूद कर भारतीय जनता पार्टी की तरफ भाग रहे हैं। इसलिए अपने घर को संभालो कमलनाथ जी, और पूरी 29 सीटें इस बार कमल के फूल से जीत कर आए। कमलनाथ जी आने वाले थे भाजपा में, अचानक लौट के बैठे, क्या अब ये तो उनका अपना निर्णय है। भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत सशक्त नेतृत्व है और भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ, चाहे मोहन यादव जी हो चाहे वीडी शर्मा जी, आप दोनों के मार्गदर्शन और निर्देशन पर खूब अच्छा काम कर रहे हैं। राहुल गांधी की जो रैली निकल रही है उसमें कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, राहुल गांधी जी को सबसे पहले तो देश से माफी यात्रा निकालनी चाहिए, और जिस तरह से कांग्रेस ने संविधान का हमेशा गला दबाने का काम किया हो, चाहे इंदिरा गांधी जी के समय बात हो चाहे उसके बाद कांग्रेस के समय की बात हो, राहुल गांधी कितना भी प्रयास कर ले कोई भी उन्हें देश में सीरियस नहीं लेता है, इसलिए इस यात्रा से कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कांग्रेस की सूची उनको चुनाव आ गए लेकिन अभी तक जारी नहीं हुई, क्या वजह मानते हैं? ये बात तो मुझे लगता है कि कमलनाथ जी और कांग्रेस के नेताओं से पूछनी चाहिए, जब वादा कर रहे हो तो इरादा भी तो बताओ कि किसको चुनाव लड़ाओगे।